राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए महंगाई राहत शिविर सोमवार से शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में भिवाड़ी के सैदपुर में सरकारी स्कूल के प्रांगण में नगर परिषद की तरफ से शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिविर में मुख्य रूप से राज्य सरकार की 10 योजनाओं को प्राथमिकता दी गई, जिसमें किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, कामधेनु पशु बीमा योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा रोजगार गारंटी योजना, न्यूनतम मासिक सुरक्षा पेंशन योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, प्रतिमाह 100 यूनिट बिजली देना, बीपीएल कार्ड धारकों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना जैसी योजनाएं शामिल हैं। महंगाई राहत कैंप में इन योजनाओं का फ्री में रजिस्ट्रेशन करने की बात कही जा रही है, लेकिन इन कैंपों में केवल उन्हीं उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं जो पहले से इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इन योजनाओं में लाभ लेने के लिए जो व्यक्ति पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आ रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन इन शिविरों में नहीं हो रहे हैं। पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आ रहे लोगों को वापस से ई मित्र केंद्र पर भेजा जा रहा है। वहीं इस पर रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर इन शिविरों में पुराने लाभार्थियों को ही लाभ देने के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, नए उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रेशन नहीं किए जा रहे हैं। नगर परिषद सचिव पवन कुमार शर्मा ने बताया कि यह शिविर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं लगाए गए हैं। इनमें केवल राज्य की कुल 10 योजनाओं का लाभ जो उपभोक्ताओं को मिल रहा है, उन उपभोक्ताओं के लिए ही रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, नए उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रेशन नहीं किए जा रहे। जिसको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेना है, वह ई मित्र पर जाकर 800 रुपए जमा कराए और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ ले सकता है। अन्य योजनाओं में भी इसी तरह का सिस्टम है। दोपहर 1:30 बजे तक 80 लोगों के टोकन काटे जा चुके हैं। भिवाड़ी के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के लिए मंगलवार को भी इसी जगह कैंप आयोजित किया जाएगा। शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आने वाले लोगों के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन भिवाड़ी में आयोजित हुए सैदपुर के सरकारी स्कूल प्रांगण के शिविर में अधिकारियों ने अपने लिए तो टेंट और कूलर की व्यवस्था की हुई थी, लेकिन अपना काम कराने के लिए आने वाले लोगों के लिए ना तो कोई टेंट लगाया हुआ था और ना ही किसी प्रकार की कोई बैठने की व्यवस्था थी। बुजुर्ग महिलाएं व पुरुष भी सभी धूप में खड़े हुए नजर आए। अपना गैस का काम करवाने आई हंसा देवी ने बताया कि वो सुबह 10 बजे शिविर में आई थी, लेकिन दोपहर 1:30 बजे तक भी उसका काम नहीं हुआ। अधिकारी सुबह से ही उनको टरका रहे हैं। उनके फोन में उनका उपभोक्ता नंबर है, लेकिन अधिकारी उन्हें गैस एजेंसी में जाकर काम करवाने के लिए कह रहे हैं। ऐसा केवल हंसा देवी के साथ ही नहीं हुआ, कई लोग इसी तरह से परेशान नजर आए। क्या नाम है ताई? नाम क्या है आपका? मेरा? हाँ, हंसा देवी। हंसा देवी, किस काम से आई थी आप यहाँ पे? सिलेंडर का लड़ी। सिलेंडर का काम हो गया आपका? नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों, क्या कह रहे हैं अधिकारी? कह रहा हूँ हाथी जाओ। कहाँ से लेके आओ? फोन में लिखवा रहा है तो वो नहीं दे रहा है मुझको। आप कितने बजे आए थे यहाँ पे? 10 बजे। 10 बजे का आप, 1 बज गया, आपका काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। और लगी, और लोगों के काम भी हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं भाई, कहें का कर रहे हैं, कहें का ना।